गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम पवन कुमार। ओपन योर ईवीएस बुक एंड टेक अ पेन एट पेज नंबर 3। टुडे आई विल टीच यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन फर्स्ट, रिलेशंस एंड रिलेटिव्स। नेम द रिलेशंस गिवन इन फॉलोइंग टेबल। जो इस टेबल में आपको जो नेम दिखाई दे रहे हैं, आप उनको रिश्तों में क्या कहकर पुकारोगे? तालिका देकर बताइए कि आप इन रिश्तों को क्या कहेंगे। फादर्स फादर, मदर्स सिस्टर, इनको क्या कहकर संबोधित करोगे? फादर्स फादर, पिताजी के पिताजी। ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी। मदर सिस्टर, मैटरनल आंट। फादर्स एंगर ब्रदर, अंकल। पिताजी के छोटे भाई को अंकल कहेंगे, चाचा जी। अंकल्स वाइफ, आंट, चाची जी। मदर्स फादर, मम्मी के पिताजी को क्या कहेंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना जी। फादर्स एल्डर ब्रदर, पिताजी के बड़े भाई, अंकल या ताऊजी या बड़े पापा। मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई को क्या कहेंगे? मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी। फादर्स सिस्टर, पैटरनल आंट यानी कि बुआ जी। अंकल्स डॉटर, कजिन सिस्टर, चचेरी बहन। अंकल्स सन, कजिन ब्रदर यानी कि चचेरा भाई। फादर्स मदर, ग्रैंड मदर यानी कि दादी जी। मदर्स मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि नानी जी। यू लर्न दिस टेबल एंड राइट इन योर नोटबुक। जमुना लिव्स इन अ सिटी विद हर पेरेंट्स। जमुना उसके पेरेंट्स के साथ सिटी में रहती है। दस इन मैनी फैमिली सम मेम्बर्स स्टे अवे फ्रॉम होम ड्यू टू डिफरेंट रीजन। यद्यपि अनेक परिवारों के कुछ मेंबर्स विभिन्न कारणों से घर से दूर रहते हैं, अवे फ्रॉम होम, घर से दूर रहते हैं। डिफरेंट विभिन्न प्रकार के रीजन कारण। यद्यपि अनेक परिवारों के कुछ सदस्य घर से दूर रहते हैं। इफ एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली इज स्टेइंग अवे फ्रॉम होम। यदि आपकी फैमिली में से अगर कोई मेंबर घर से दूर रहता है, यू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट देम इन द टेबल गिवन बिलो। आप इस टेबल में उसकी सूचना भरो या उसकी सूचना इसमें एकत्रित करो, कलेक्ट करो। सीरियल नंबर 12345, नेम ऑफ द मेंबर स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली, जो घर से दूर रह रहा है उस मेंबर का इसमें नाम लिखो। यू राइट नेम ऑफ द मेंबर स्टेइंग फ्रॉम अवे फ्रॉम फैमिली। योर रिलेशंस, आपका उससे क्या रिलेशन है? यू राइट इन दिस कॉलम विलेज ऑब्लिक सिटी, वो कहाँ रहता है, गांव या सिटी का नाम भरो। डू दिस आल्सो, इसे भी करो। नाउ नोट डाउन द नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड प्रिपेयर द फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ टीचर। नीचे दिए गए सभी फैमिली के मेंबर्स के नाम लिखो और एक फैमिली ट्री अध्यापक की या टीचर की हेल्प से एक फैमिली ट्री बनाओ। वी विल मेक फैमिली ट्री इन सेपरेट नेक्स्ट वीडियो, सो यू वेट। जमनाज अंकल एंड आंट वर लिविंग इन विलेज विद द ग्रैंड पेरेंट्स। जमुना के चाचा और चाची जी उसके दादा दादी के साथ गांव में रहते थे। 2 years आफ्टर मैरिज, शादी के 2 वर्ष बाद आंट गेव बर्थ टू अ लवली डॉटर। चाची जी ने एक
प्यारी बच्ची को जन्म दिया, प्यारी पुत्री को जन्म दिया। ऑल फैमिली मेंबर्स वर वेरी हैप्पी। फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत ही हैप्पी थे। अंकल वाज आल्सो वेरी हैप्पी टू बी अ फादर। अंकल भी पिता बनने के कारण बहुत ही हैप्पी थे। बी अ फादर पिता बनने से बहुत ही हैप्पी थे। जमुना वाज हैप्पी टू नाउ डैड। Now, now is verb, now यानी जानना। जमुना ये जानकर बहुत ही हैप्पी थी कि she got a little sister, कि उसने एक छोटी सिस्टर कि उसको एक छोटी सिस्टर मिली है। After some time in vacation, जमुना went back to village to see that little doll। कुछ समय बाद जमुना वापस छुट्टियों में गांव आई, गांव में वो छोटी डॉल को या लिटिल डॉल को देखने आई। वेंट यानी जाना और सी यानी देखना, लिटिल छोटी डॉल यानी गुड़िया। कुछ समय बाद जमुना वापस छुट्टियों में लिटिल डॉल को देखने गांव आई। देयर सी सा डैट ऑल फैमिली मेंबर्स वर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। उसने वहां देखा, सी इज फर्स्ट फॉर्म, साइज सेकेंड फॉर्म। वहाँ उसने देखा कि ऑल फैमिली मेम्बर्स सभी फैमिली मेम्बर्स छोटी बेबी की बहुत ही केयर कर रहे थे, बहुत ही अच्छी तरह देखभाल कर रहे थे। थिंक एंड राइट। हैव एनी न्यू मेम्बर्स बीन एडेड टू योर फैमिली ड्यू टू बर्थ और मैरिज। क्या आपके परिवार में भी कोई नया सदस्य जन्म लेकर या शादी करके आया हो? इफ़ यस, यदि हाँ, देन व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद हर या हिम। यदि हाँ तो आपका उससे क्या रिलेशनशिप है? यू राइट इन दिस लाइन। ग्रैंड मदर यूज टू टेल स्टोरीज एवरी डे। दादी माँ उसे रोज एवरीडे प्रत्येक दिन कहानियाँ कहती थी। वन डे जमुना गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक दिन जमुना जल्दी सुबह उठ गई। एज यूजुअल हमेशा की तरह। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट उसने टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद सी वॉश्ड हर हैंड्स विद सोप। उसने अपने हाथ हैंड्स साबुन से वॉश किए या धोए। एंड ब्रश्ड हर टीथ और उसने अपने टीथ को ब्रश किया, दातुन की। ग्रैंड मदर बाथड हर एंड कॉम्ब्ड हर हेयर। दादी माँ ने उसको नहलाया और उसकी कंघी की। कॉम्ब्ड कंघी करना हर हेयर उसके बालों की कंघी की। देन जमुना वेंट टू फार्म्स विद ग्रैंडफादर। तब जमुना दादाजी के साथ खेतों में गई। फ्लोरिशिंग क्रॉप्स डिलाइटेड जमुना। फ्लोरिशिंग क्रॉप यानी कि जो बीज अंकुरित होकर जो पौधे की तरफ बढ़ रहे हो या पौधा बनने की तरफ बढ़ रहे हो। फ्लोरिशिंग पनपना या अंकुरित होकर बाहर निकलकर बढ़ना। जमुना पनपती हुई या बढ़ती हुई क्रॉप को देखकर बहुत ही डिलाइट हुई या खुशी हुई। उसे जमुना पनपती हुई फसल को देखकर वो बहुत ही खुश हुई। वॉकिंग अराउंड द फार्म्स विद ग्रैंडफादर वाज अ प्लीजर फॉर जमुना। जमुना खेतों के चारों तरफ दादाजी के साथ घूमी। वाज अ प्लीजर फॉर जमुना और उसे बहुत ही खुशी हुई। जमुना वाज वेरी हैप्पी हर ग्रैंड पेरेंट्स। जमुना उसके दादा दादी से बहुत ही खुश थी। ओके, ऑल द बेस्ट।